Hello dear students, in this video I am going to explain you lesson 5, that is quality, which is given in Honeycomb book of class 7, and this lesson is written by John Glassworthy. In this story we will read about a German shoemaker who settled in London with his brother, and his name was Mr. Gessler. He was a poor cobbler. He used to make boots of Arthur's father. So Arthur knows him well. इस स्टोरी में जर्मन शू मेकर के बारे में पढ़ेंगे जो अपने भाई के साथ लंदन में रहता था और उसका नाम गेसलर था और वो कॉबलर था और वो ऑथर के फादर का बूट बनाया करता था, इसीलिए ऑथर उसको जानते थे. वंस ऑथर आस्क्ड हिम दैट ही डोंट फील ऑफुल टू डू द वर्क. देन गेसलर रिप्लाइड दैट नो, इट इज़ एन आर्ट. एक बार ऑथर पूछते हैं कि क्या उन्हें ये काम करने में बुरा नहीं लगता है, तो गेसलर बोलते हैं कि नहीं, ये एक आर्ट है, शू बनाना एक आर्ट है. एंड रियली ही वॉज अ परफेक्ट आर्टिस्ट बिकॉज वॉट एवर बूट ही वॉज मेकिंग दे परफेक्टली फिटेड टू कस्टमर्स एंड ऑल्सो लास्टेड फॉर लॉन्ग टाइम. वो रियली एक आर्टिस्ट थे, अच्छे कॉबलर थे, क्योंकि वो जो भी बूट बनाया करते थे वो कस्टमर को फिट हुआ करता था और बहुत दिनों तक चलता भी था. बट देयर शॉप वॉज नॉट हैविंग एनी साइन बोर्ड. उनके शॉप में कोई साइन बोर्ड नहीं था, सिर्फ शॉप के ऊपर गेसलर ब्रदर लिखा हुआ था और जो विंडो था, विंडो पे कुछ शूज़ रखे हुए थे. जैसे आजकल के शॉप में कोई भी दुकान अगर आप देखेंगे तो उसमें साइन बोर्ड लगा रहता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो किस चीज़ का दुकान है. लेकिन इनके शॉप में सिर्फ शॉप के ऊपर सिर्फ गेसलर ब्रदर लिखा हुआ था और विंडो में कुछ शूज़ रखे थे, जिससे कि ये पता चले कि वो शूज़ का दुकान है. और ये गेसलर ब्रदर जो थे वो सिर्फ ऑर्डर, एडवांस ऑर्डर पे ही शूज़ बनाया करते थे. लोग उनके पास जाते थे और ऑर्डर देते थे कि उनको शूज़ चाहिए, तभी वो शूज़ बना के उन्हें दिया करते थे. नरेटर विजिटेड हिज शॉप वेरी फ्रिक्वेंटली. बहुत कम जाते थे नरेटर उनके शॉप पे, बिकॉज वट एवर शूज़ गेसलर ब्रदर वर मेकिंग दे यूज टू लास्ट फॉर मैनी डेज. बहुत दिनों तक वो शूज़ जो भी बना के देते थे गेसलर या उनके भाई, तो वो बहुत दिनों तक चलता था, इसीलिए नरेटर उनके दुकान पे बहुत ही कम जाया करते थे. नाउ हियर गेसलर शॉप इज़ कंपेयर्ड विद अ चर्च. लाइक व्हेन पीपल आर गोइंग टू चर्च दे आर सिटिंग ऑन वुडन चेयर एंड then waiting. So in the same manner, whenever customers were going to Gessler's shop, they used to sit on a wooden chair and wait for Gessler. Once Arthur went to Gessler's shop and he sat on wooden chair and waited for Gessler. Then Gessler came down the stair with tip tap sound of his slipper. He was old man and a little bit bent. He was wearing leather apron and his slips were turned back. His eyes were looking as if he awakened from some dreams of boots. तो एक बार author उनके shop पे जाते हैं और गेसलर
स्टेयर्स से नीचे उतरते हैं और गैजलर का अपीयरेंस के बारे में बताया गया कि वो ओल्ड हैं, इसीलिए थोड़े से उनकी शरीर थोड़ी सी झुक गई है और वो हमेशा लेदर एप्रन पहनते हैं और जो उनके शर्ट का स्लीव है हमेशा फोल्डेड रहता है क्योंकि वो काम में हमेशा काम करते रहते हैं, लेदर से बूट बनाते रहते हैं, इसीलिए वो एप्रन पहनते हैं। और उनकी आँखों में देखने से ऐसा लगता है कि वो अभी अभी किसी बूट के ड्रीम से उठ के आ रहे हैं। देन नरेटर आस्क्ड हिम फॉर अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स एंड गेस्लर शोड हिम वन पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर एंड ही प्रॉमिस्ड टू डिलीवर द बूट आफ्टर फोर्टनाइट। वंस नरेटर कंप्लेन दैट हिज लास्ट पेयर ऑफ बूट क्रीक्ड, क्रीक मीन्स इट इज नॉट स्मूथ। गेजलर वॉज शॉक्ड टू हियर इट, जब नरेटर बोलते हैं कि वो एक पेयर बूट का खरीदे उससे लिए उससे और वो स्मूथ नहीं है, तो गेसलर एकदम शॉक हो जाते इस बात को सुन के क्योंकि वो जो भी बूट बनाते थे वो बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था, लेकिन अभी नरेटर कंप्लेन कर रहे हैं कि वो स्मूथ नहीं है। सो इसीलिए गेसलर शॉक हो जाते इस बात को सुन के एंड देन ही एग्रीड टू रिपेयर इट और रिप्लेस देम, वो एग्री हो जाते हैं रिपेयर करने के लिए या फिर वो बोलते हैं कि अगर वो रिपेयर नहीं हो पाता है तो वो जो भी पैसा उस बूट का दिए हैं, जो भी बिल दिए हैं नरेटर गेजलर को, तो वो उसे वापस कर देंगे। देन नरेटर वेंट टू हिज शॉप विथ दोज बूट्स एंड व्हेन गेजलर सॉ इट ही सेड दोज आर नॉट माय बूट्स। जब गेजलर उसको देखते हैं, जब नरेटर वो बूट पहन के जाते हैं और गेजलर उस बूट को देखते हैं तो गेजलर बोल देते हैं कि वो उनका बनाया हुआ बूट नहीं है। एंड एट दैट टाइम ऑथर फेल्ट वेरी शाय बिकॉज ही हैड बॉट दोज बूट्स फ्रॉम बिग शॉप। ऑथर को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि ऑथर ने उस बूट को एक्चुअली किसी दूसरे दुकान से ख़रीदा था, उन्हें बूट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वो वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑर्डर देंगे तो बूट बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा और उनको बहुत जल्दी में बूट चाहिए था, तो इसीलिए वो किसी बिग बड़े दुकान से, बड़े शॉप से उस बूट को ख़रीदे थे और वो अब फिट नहीं बैठ रहा था, तो उन्होंने कह दिया कि वो उनके पास से लिए थे और अब वो फिट नहीं है। तो गेसलर को जैसे ही उस बूट को देखते हैं वो बोलते हैं कि वो उस बूट को नहीं बनाए हैं और ये बात सुन के उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। जनरली गेसलर वॉज नॉट स्पीकिंग मच, वो ज़्यादा बात नहीं करते थे, बट दिस टाइम ही सेड बिटरली दैट बिग फार्म्स मेड पुअर क्वालिटी बूट्स, दे डोंट हैव एनी सेल्फ रेस्पेक्ट। जो बिग बड़े बड़े फार्म्स हैं वो, उनका कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होता है और वो अच्छी क्वालिटी की नहीं बनाते हैं। दे आर सेलिंग देयर गुड्स बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क। वो बोलते हैं, गेसलर बोलते हैं कि वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचते हैं और उनका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ही ऑल्सो स्पोक अबाउट द हार्ड टाइम ऑफ हिज ट्रेड एंड हाउ हिज बिजनेस वॉज गोइंग डाउन बिकॉज हिज कस्टमर स्टार्टेड बाइंग बूट्स फ्रॉम बिग फार्म। गेजलर और नरेटर को ये भी बताते हैं कि उनका जो ट्रेड का जो ये टाइम चल रहा है वो बहुत ही बुरा चल रहा है,
उनका बिजनेस क्या है कि अब धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, लॉस में लॉस होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो कस्टमर थे वो क्या कर रहे हैं, अब बड़े बड़े फार्म से शूज़ खरीदना स्टार्ट कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेडीमेड उनको मिल जा रहा है, वो जब जाते हैं उसी दिन उनको बूट मिल जाता है, लेकिन गजलर के पास अगर वो आते हैं बूट के लिए तो उन्हें ऑर्डर देना पड़ता है और फिर बूट बनने में कुछ टाइम लगता है और उसके बाद उनको मिलता है। तो इसीलिए अब कस्टमर वेट नहीं कर रहे हैं, उस टाइम नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इनका जो बिजनेस है वो ख़त्म होते जा रहा है, इनके कस्टमर अदर फार्म से, बड़े बड़े फार्म से, बड़े शॉप से बूट खरीदना स्टार्ट कर दिए हैं। द नैरेटर वॉज सो मूव्ड दैट ही ऑर्डर्ड मेनी पेयर्स ऑफ बूट। नैरेटर इस बात को सुन के बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत ही सिंपैथी उनके मन में आता है गेजलर के लिए और वो बहुत सारे बूट्स का ऑर्डर दे देते हैं। एंड सो फॉर 2 ईयर्स ही कुडंट गो टू गेजलर शॉप। अब वो बहुत सारा बूट खरीद लिए एक साथ और 2 साल तक उनको वहाँ उस गेजलर के शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेन ही वेंट देयर आफ्टर 2 ईयर, जब वो 2 साल के बाद उनके शॉप पे पहुँचते हैं, तब ही बिकेम वेरी सैड बिकॉज गेजलर्स एल्डर ब्रदर हैड डाई। जब वो 2 साल के बाद उसके शॉप पे पहुँचते हैं तो उनको ये पता चलता है कि जो गेजलर का जो बड़ा भाई था वो मर चुका है, तो इसीलिए वो ये सुन के बहुत ही दुखी होते हैं। एंड देन अगेन ही ऑर्डर्ड फॉर मेनी पेयर्स ऑफ बूट एंड इट केम आफ्टर मेनी डेज। वो फिर से ऑर्डर कर देते हैं बहुत सारा बूट और बहुत दिनों के बाद वो आता है, क्योंकि अभी ये अकेला गेजलर अकेला बूट बना रहे हैं तो और ज़्यादा टाइम लग रहा है बूट बनने में, तो इसीलिए वो बूट्स का जो ऑर्डर दिए थे वो बहुत दिनों के बाद आता है। एंड दे वर बेटर देन एवर, लेकिन पहले से वो अब और ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का है। आफ्टर दैट ऑथर वेंट एब्रोड, और उसके बाद ऑथर फिर से एब्रोड चले जाते हैं। अगेन व्हेन ऑथर केम इन लंदन, लेकिन फिर जब ऑथर लंदन आते हैं, ही सॉ दैट गेजलर वॉज लुकिंग वेरी ओल्ड। वो क्या देखते हैं कि जो गेजलर है वो बहुत ही ओल्ड दिख रहे हैं। अर्लियर व्हेन ही हैड सीन हिम ही वॉज लुकिंग लाइक 60 ईयर्स ओल्ड, बट आफ्टर 1 or 2 years व्हेन ही केम बैक फ्रॉम अब्रॉड एंड व्हेन ही सॉ ही वॉज गेजलर वॉज लुकिंग लाइक 75 ईयर्स ओल्ड मैन, बहुत ही बूढ़े दिख रहे थे। पिछली बार जब वो देखे थे तो ऐसा लग रहा था कि 60 के थे, लेकिन अभी 1-2 साल में ही वो 75 ईयर्स के दिखने लगे हैं, इतने ज़्यादा कमज़ोर और इतने ज़्यादा ओल्ड हो गए हैं। एंड ऑल्सो कुडेंट रिकोगनाइज द ऑथर, और वो ऑथर को पहचान भी नहीं पाते हैं, गेसलर ऑथर को पहचान भी नहीं पाते हैं। दिस टाइम अगेन ऑथर ऑर्डर मेनी पेयर्स एंड व्हेन बूट्स केम ही पेड द मनी, और इस बार भी ऑथर बहुत सारे पेयर्स का ऑर्डर दे देते हैं और जब बूट आता है तो फिर उनको पैसा भी दे देते हैं, और बूट आने में इस बार और भी ज़्यादा टाइम लगता है। दोज बूट्स वेर अगेन ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, और वो लेकिन वो बूट अभी और भी अच्छे क्वालिटी का, पहले से और भी बेटर क्वालिटी का होता है। आफ्टर अ वीक ऑथर थॉट टू मीट गेजलर एंड थैंक हिम। ऑथर सोचते हैं कि गेजलर से मिल के थैंक यू बोल दें। बट व्हेन ही वेंट देयर ही फाउंड अ यंग इंग्लिश मैन, लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें एक इंग्लिश मैन दिखाई देता है, इंग्लिश फेस, जबकि गेजलर क्या है, जर्मन था, लेकिन अब वो नहीं है और उसकी जगह पे कोई इंग्लिश मैन दिखाई देता है। ही आस्क्ड अबाउट गेजलर एंड केम टू नो फ्रॉम दैट इंग्लिश मैन दैट ही इज़ डेड।
जब वो पूछते हैं उस इंग्लिश मैन से कि गेसलर कहाँ है, तो वो इंग्लिश मैन उनको बताता है कि वो अब नहीं रहे। गेसलर डाइट ऑफ स्लो स्टारवेशन, हिज बिजनेस फेल्ड बिकॉज ही टुक अ लॉन्ग टाइम टू सप्लाई द ऑर्डर एंड ही नेवर मेड एनी एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो। ही यूज द बूट बेस्ट लेट द फॉर मेकिंग बूट्स एंड ही नेवर गेव हिम टाइम टू ईट, नेवर हैड मनी ऑल्सो, ऑल मनी वेर स्पेंट इन गिविंग रेंट एंड बाइंग लेदर। सो गेसलर स्टार्वेशन से मर जाते हैं, ऐसा वो इंग्लिश मैन बताता है, क्योंकि जो भी अर्निंग होता था गेसलर का वो लेदर खरीदने में ख़त्म हो जाता था या फिर रेंट देने में ख़त्म हो जाता था। खाने के लिए बिल्कुल उनके पास पैसा नहीं था और ना ही वो खाने के लिए टाइम दे पाते थे। वो हमेशा बूट बनाने में बिजी रहा करते थे और उनका बिजनेस भी डाउन हो गया था, क्योंकि वो अकेले बूट बनाते थे और जो सप्लाई था, जो भी ऑर्डर उनको मिलता था, तो उसको पूरा करने में वो बहुत टाइम लगाते थे, तो इसीलिए भी उनका बिजनेस डाउन हो गया था। और दिन रात काम करने के बाद भी उनके पास, बिना खाए पिए काम करने के बाद भी उनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं हुआ करता था। जो भी पैसा आता था वो सब रेंट देने में और लेदर खरीदने में ख़त्म हो जाता था। एंड बट ही वॉज अ गुड मैन, ही वॉज अ वेरी गुड मैन एंड मेड गुड बूट्स। वो बहुत ही अच्छे आदमी थे और वो बहुत ही अच्छा बूट बनाया करते थे। सो दिस वॉज द स्टोरी, आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी। थैंक यू।